नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बैट केयर में। तारा हेलो करो, हेलो करो, हेलो। ये देखिए दोस्तों, हमारी तारा भी आपसे हेलो कर रही है। तारा को मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो इसको इतना पता चलता है, मेरे पास आके झट से बैठ जाती है और बिल्कुल सही है। देखिए इसकी पोजीशन, इसको भी पता चलने लग गया आजकल की भाई मेरी फोटो आएगी। तारा तेरी फोटो आएगी क्या? दोस्तों आप कमेंट करके बताया करो हमारी तारा के बारे में कि तारा आपको कैसी लगती है हमारी तारा। ये देखिए इसकी मस्ती चालू हो जाती है बस, इसको तो थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए वरना ये ऐसे तो बैठी रहती है आराम से जब भी वीडियो के सामने। अब ये है कि भाई मेरे को प्यार करेंगे। इसकी पोजीशन देखिए, हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ आप मेरे पास आओ, मिट्टी में मत हो। तारा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, बस बाद में लाड करेंगे अपन, आ जाओ पहले वीडियो बनाते हैं अपना। आओ 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 आओ, नो नो नो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आओ इधर इधर आओ। हाँ देख लिया सबने, देख लिया दोस्तों आपने, इसकी मस्ती देखो कैसे हो गई है। आज ही ने लाया मैंने इसको, और इसकी देखिए आप देख सकते हैं इसको, इसको मस्ती आ जाती है कि भाई मेरे साथ खेलो। ये क्या कैसे मिट्टी में हो गई है, सुबह ही नहलाया था दोस्तों मैंने इसको। अब क्या गर्मियां आ गई है, ये देखिए खेलने के मूड में है पूरा। तारा नौ मेरे लग जाएगी, नौ नौ नौ, गंदी बात। ये दोस्तों खेलने के लिए करती है, शाम हो गई है जब ठंडी ठंडी हवा चल रही है और खेलने के लिए कर रही है कि मेरे साथ खेलो। नौ मैं चार्टर लगा दूंगी, बस बैठो बैठो बस बहुत, वरना देख क्या क्या सोचेंगे, देख देख तेरे बारे में क्या सोचेंगे कि गंदा डोगी है, कहना ही नहीं मानता है। बैठ जाओ बैठ जाओ, अच्छा बच्चा है ना तारा, अच्छा बच्चा है ना, बैठो बैठो, अच्छा बच्चा है। ये देखिए दोस्तों, तारा थोड़ी सी मस्ती तो सभी करते हैं पर ऐसे बहुत अच्छा बच्चा है, कहना मान जाता है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल आराम से बैठी है। और क्या गर्मी आ गई है तो गर्मियों में थोड़ा सा ध्यान रखिए इनके, क्या है ये जो इनके हेयर है, ये देखिए इस तरीके से ये डबल कोट में है दोस्तों, तो इसको गर्मी में थोड़ी परेशानी होती है। जब भी आप इसको नहलाएं तो नीम होता है जो हमारा, नीम के पानी से नहलाएं, उससे क्या खूब सारे फायदे मिलते हैं उससे। यही इस टाइम पे क्या गर्मियों में इनके बालों में वो चीचड़ी वगैरह हो जाती है जो जिनसे इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, और इनकी स्किन में भी इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि इनके बाल देखिए ये बड़े बड़े होते हैं बाल, तो इनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और पसीना सभी को आता है इस टाइम में, इनको भी पसीना आता है तो उस वजह से इनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों आप जब भी इनको नहलाएं, ऐसे नहीं कि अच्छा अच्छा शैम्पू यूज कर रहे हैं अब तो हमारा डॉगी बिल्कुल से हेल्थी रहेगा, पर देखिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका ये घरेलू उपाय है, महंगे से महंगे शैम्पू यूज कीजिए पर ये छोटी सी सावधानी बरतेंगे हम। अगर नीम का पेड़ हमारे पास में है तो उसके पत्ते लीजिए एक पतीले के अंदर और उसके अंदर उसको बॉईल करके अच्छे से, और उस पानी को ऐसे नहला दीजिए इसको डॉगी को, और बाद में वो पानी डालेंगे तो इसकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। और इससे क्या है तीन बहुत सारे फायदे मिलते हैं, इसको स्किन की कोई एलर्जी नहीं होती है, और ये जो इसके टिकल्स हो जाते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, चीचड़ी वगैरह है इनके, इनके जो पसीना आता है उसकी वजह से हो जाते हैं, इनकी बॉडी के अंदर ही पनपते हैं वो, कोई बाहर से नहीं आते हैं। तो अगर हम नीम के पानी से नहलाएंगे इसको तो वो नहीं होंगे, और हमारा डॉगी है जो बिल्कुल से हेल्थी रहेगा, खुश रहेगा और हेलो भी करेगा। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से, अगर मेरी छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तारा बाय कर दो, बाय करो, बाय करो, बाय दोस्तों, मैं कल मिलूंगी आपसे एक अच्छे वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय।